नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले नंबर पे जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसके ट्रेड रिटर्न्स हम देखेंगे, एक साल, तीन साल, पाँच साल कैसे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड एक्सेल शीट में देखेंगे कि हर साल कैसे रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है और हम क्या गलती करते हैं। थर्ड नंबर पर आपको वो पता लगेगा। फोर्थ नंबर पर हम उसको बाकी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करेंगे। और फिफ्थ नंबर पर मैं आपको कंक्लूजन दूंगा तीन चीज़ों के बेसिस पे कि किस तरह का म्यूचुअल फंड ये है, कितने समय के लिए रख सकते हैं, क्या SIP अमाउंट हमें डालना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा कि क्या SIP अमाउंट हमारे टोटल पोर्टफोलियो का इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये पांचों पॉइंट्स से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और इसके अलावा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सीधा पॉइंट पे आता हूं। तो यहां पे अब हम रिव्यू करने चलेंगे और रिव्यू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, ठीक है, आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी एवरेज से रिटर्न हम ज्यादा निकाल के देंगे, एनालिसिस हमारा रहेगा और आपकी बनेगी सिर्फ वेल्थ, ठीक है। और जो आप कोस्ट के बारे में मोस्टली लोग चिंतित रहते हैं कि सर कोस्ट क्या आएगी, कोस्ट भी हम खुद ही निकाल लेते हैं अपनी, वो कैसे, वो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा, उसकी बात वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अभी वापस वीडियो पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि केनरा, रोबेको, एक्सिस स्मॉल कैप, इन्वेस्को, बंधन, निपोन, फ्रैंकलिन, HDFC, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ICICI प्रोडेंशियल, इन सब के ट्रेलिंग रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। वन मंथ का काफ़ी अच्छा रहा है और हमने जिसका मेन मार्क किया है बंधन का आप देखोगे कि ट्रेल रिटर्न ना तो एक महीने के, ना तीन महीने, ना छः महीने, ना ईयर टू डेट, ना वन ईयर, ना टू ईयर, ना थ्री ईयर्स, कहीं कहीं ख़राब नहीं है। फाइव ईयर्स की एज नहीं हुई है अभी, तो इसलिए यहाँ नीचे के नीचे सारे के सारे इसने ग्रीन पॉइंट टिक कर दिया और आपने रख लिया अपने पोर्टफोलियो में। कर दी आपने सबसे बड़ी गलती, क्या गलती करी, बोला था ना तीसरे पॉइंट पे बताऊंगा। तो ये तो पहला पॉइंट खत्म हो रहा है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये समझते हैं कि हमें इस शीट के साथ दूसरी शीट कौन सी देखना जरूरी होता है। हमें देखना होता है कि इसने रिटर्न क्या दिए हैं। ये फंड आया, मान लो अब बंधन की बात करूँ, यहाँ पर बंधन आपको दिख रहा होगा, बंधन आया कब, 2020 के अंदर, ठीक है। अब इसने चार साल बिताए, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 2023 वाला जगह छोड़ के और तो 2021 वाली जगह छोड़ के इसने हर जगह परफॉर्म किया है। ये इसका रेटिंग रहा है कि तीन साल पांच में से कोई बुरे नहीं हैं और अच्छे चल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना लंबा समय आप देखोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा। अब यहाँ ज़्यादा लंबा समय आप देख नहीं सकते, सिर्फ चार साल का है। अगर मैं जो पूरे चार साल निकले हैं सिर्फ उनका डेटा देखूँ तो ये इस तरह का कुछ नंबर है, 3 out of 4। और जब नेगेटिव रहा भी है 2022 में तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2% का फ़र्क है, इतना फ़र्क चलता है, ठीक है। और यहाँ भी अगर मैं बोलूँ 2024 की भी बात करूँ तो अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर ही खड़ा है, तो कोई ख़राब नहीं है। तो यहाँ तो इसने पॉइंट टिक कर दिया कि अगर मैं सिर्फ इतना डेटा चेक करूँ तो ये कोई बुरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे जाके डिटेल में देखते हैं। क्वांट स्मॉल कैप, निपोन इंडिया, फ्रैंकलिन, तीन बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप हैं, ठीक है। और बंधन के साथ इसको हम कंपेयर करने वाले हैं। बंधन के साथ कंपेयर करने के लिए आप ये देखेंगे कि 3 months के टाइम पीरियड में इन दोनों ने थोड़ा सा ख़राब परफॉर्म किया है। कोई बात नहीं, रिकवरी अच्छी हुई नहीं है इनकी गिरने के बाद, लेकिन बंधन की रिकवरी बहुत शानदार दिखी हमें। 6 months का भी डेटा काफ़ी अच्छा है और लास्ट 1 year में इसने क्वांट को बीट कर रहा हुआ है। ये तो पहली बार हुआ है कि कोई हम स्मॉल कैप देख रहे हों और वो क्वांट को बीट कर रहा हो, इसलिए इसको मैं हिडन जेम बोलूँगा, ठीक है। अभी तक इसकी वीडियोस हमने नहीं बनाई, रीज़न है क्योंकि अभी भी अगर मैं इसको बोलूँ तो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करने में 11 महीने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि बंधन क्वांट को भी बीट कर रहा है लेकिन ऐड करना है या नहीं करना वो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो आप लोग इग्नोर मारते हो वीडियो में, सबसे ज़्यादा अगर इग्नोर मारने वाली चीज़ होगी ना तो ये होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत डिटेल में बताता हूँ और आज तो इतनी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा कि आप लोग समझ जाएंगे इसको कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। सबसे नंबर वन पे ख़राब कौन है, सबसे ख़राब है क्वांट, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ख़राब कौन है, सेकेंड नंबर पे बंधन ख़राब है, थर्ड नंबर पे निपोन ख़राब है, फोर्थ नंबर पे फ्रैंकलिन ख़राब है, ठीक है। अब मोस्टली केसेस में क्या होगा, मोस्टली बोल रहा हूँ, 100% नहीं होता कुछ भी, कि जब ये फंड्स गिरेंगे ना तो सबसे ज़्यादा ये गिरेगा, सेकेंड नंबर पे ये गिरेगा, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। अब पिछले एक महीने से स्मॉल कैप गिरे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। बंधन जो गिरा है, बंधन भाई साहब गिरा है 4.72, अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा नीचे गिरा है, 5% गिर गया, ठीक है। अब ये होना चाहिए सेकंड नंबर पे,
क्वांट इससे ज़्यादा गिरा होना चाहिए, क्वांट गिरा है इससे ज़्यादा, -6.13, क्वांट जितना गिरा है उतना कोई भी नहीं गिरा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे होना चाहिए निपोन 3.58 के साथ, थर्ड पोजीशन पे गिरा है, सबसे कम गिरा होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पे सबसे कम गिरा है निपोन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन निपोन और ये आसपास ही गिरे हैं, 4.08 रफली 0.5% के आसपास का फ़र्क है, क्वांट निपोन कम गिरा है, तो इससे हमें रफली आइडिया हो जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड कम गिरने वाले हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा होता है उतने SIP के रिटर्न बेहतरीन बनते हैं, ये चीज़ मैं आपको कभी और क्लियर करूँगा, ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाके कि SIP में रिटर्न, अगर आप सारे के सारे ऐसे फंड ले लोगे जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो SIP में रिटर्न बहुत ख़राब बनेंगे। चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब आप समझ गए। और अगर मैं बात करूँ तो जो ये गिरा है तो ये ज़्यादा ही गिरा है सेकेंड नंबर पर, और ठीक है, मतलब रिटर्न्स निकाल के दे रहा है लेकिन रिस्की भी उतना ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए होता, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में, ऑलरेडी लार्ज कैप में मिल जाता है, ऑलरेडी मिड कैप में मिल जाता है, अब फिर स्मॉल कैप में भी इतना सारा, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये कोई बहुत मेजर डील ब्रेकिंग चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ये बस एक मतलब चाह होती है मन की कि भाई मिल जाए बस, ठीक है, लेकिन नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका इक्विटी में एक्सपोजर, ठीक है, डेट में। अब एक चीज़ जो मेन है वो ये है टर्नओवर रेशियो, ये ख़राब है भाई, और इसी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन इम्पैक्ट होता है। इसका तो दिखाना ही छोड़ दिया, 126 से ऊपर रहता है, और इन दोनों का देखो ये रिटर्न इसलिए नहीं बन रहे इस मार्केट में इनसे कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, टर्नओवर इनका ज़्यादा है तो ऐसी मार्केट में ही रिटर्न बनाते हैं, लोगों को लुभाते हैं और लोग पागलों की तरह इन्वेस्ट करते हैं। देखो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब फंड है, लेकिन बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न है, आपका डिसीज़न सही साबित हुआ वो मैटर नहीं कर रहा मेरे लिए इस समय यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि लिया किस बेस पे गया था वो बेवकूफ़ी भरा है, और आज आपको ये प्रॉफिट मिल गया हमेशा नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को समझ लो, सीख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो अभी के लिए तो फंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो तीन पैरामीटर्स बोले थे उन पैरामीटर्स पे चेक कर लेंगे कैसा दिख रहा है। अब ये जो लोग चेक करते हैं वो तो मैं उनका क्या ही बोलूं उनको, अब आप ये देखो किसको सिलेक्ट करना चाहोगे यहाँ पे, ठीक है, इसने रिटर्न्स दिए तो अभी हम वो वाला एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन अगर सिर्फ इसके बेस पे करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे भी कम वाले आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दिखा दूंगा, आप जाके कर लो उसमें इन्वेस्ट, ठीक है। तो इसको ज़्यादा फोकस मत किया करो, 1-1.5% से कुछ नहीं होता, जो लोग वेल्थ बनाते हैं ना अपना 4-4% दे के बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो लॉन्ग टर्म में 3 ईयर्स की मैं बात करूं तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी जो ब्लू लाइन है वो हमेशा लगभग नीचे रही है, यहाँ से ये एक बार से फिर टर्नओवर आया, ये ब्लू लाइंस नीचे रही है, ये देख रहे हो कि कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता हुआ आया है। अब इसने इस दौरान और इस दौरान जो रिटर्न दिए तो वो ट्रेल रिटर्न में नहीं दिखता, ये वाला सेक्शन समझ आ गया। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, अब इसने ओवरऑल कैटेगरी एवरेज से ऊपर रिटर्न दे दिए तो ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है 3 साल के अंदर, ठीक है। 30,000 का होना चाहिए ये गैप और 42,000 का है, ठीक है। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जो आपका SIP अमाउंट है और जो आपका साल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 का आपका मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो वो थोड़े से ख़राब है लेवल पे हैं, 147 बहुत ज़्यादा हैं, पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है जो कि अच्छी बात है, मिड कैप का भी है, तो चलो ये चीज़ तो हमारी जो हम बार बार स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे थे वो हमें पता लग गया कि यहाँ पे बढ़िया है, ठीक है। अब तीन चीज़ें जो मैंने बोली थी वीडियो के शुरू में, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा नहीं है, रिटर्न्स अच्छे हैं, टर्नओवर रेशो अच्छा नहीं है, तो ये टिक करता है सिर्फ एक ढंग की चीज़ को कि रिटर्न्स दे रहा है, और रिटर्न्स के बेस पे अगर इस बेस पे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखो, क्योंकि वो क्या करेगा आपको बहुत लंबे समय के लिए रिटर्न नहीं देगा, ठीक है। दे
बेटर है, क्योंकि ये चीज़ क्वांट ने गलत साबित की है हमेशा से, ये भी गलत साबित कर दे, हम प्रे करते हैं और आपके रिटर्न्स बनते रहें। अभी के लिए अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का सिंगल स्मॉल कैप ये नहीं होना चाहिए, किसी एक स्मॉल कैप के साथ रख लो इसको, फ्रैंकलिन हो गया, निपोन हो गया। क्वांट के साथ रखना चाहते हो तो क्वांट के साथ फ्रैंकलिन रख लो, और कोई रख लो, लेकिन इन दोनों को मत रखो, क्योंकि जिसमें दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसमें आपको दिक्कत होगी होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कुछ भी खरीदें या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।